अंदर हो गए उसके लिए तो मत बनाना ठीक है, और जो मती के बाहर हो गए उसके लिए मत बनाना ठीक नहीं। केलो परिषद में श्रुति है, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसः। जिसने ये समझा कि परमात्मा मती का कर्म नहीं है, मती से परे है, उसने परमात्मा को समझा। यस्या मतम तस्य मतम और मतम यस्य न वेदसः। जिसने ये कहा कि ये जो हमारा मत है बस ये इतने ही परमात्मा है, वो नहीं जाना। और मत का आग्रह किए बिना तर्क वितर्क कुतर्क वाद विवाद ये सब होता ही नहीं। अमत को पकड़ो, अमत परमात्मा। तब किसी ने कहा ऐसा, कहा भाई ऐसा ही रज्जब रोशन कीजिए, कोई कहे क्यों ही, हंस के उत्तर दीजिए, हाँ बाबा यूं ही। क्या करना, झगड़ा होने से तो अपना दिमाग खराब होता है, अपना दिल खराब होता है, और हाँ हूँ करके टाल देने से अपना चित्त शांत रहता है। अच्छा वाद विवाद तो नहीं करेंगे, अपना समय कैसे बीते। बोले दो काम करो, एक तो भक्ति शास्त्र जो है उसका मनन करो। मनन करो माने अनुकूल युक्तियां सोचो। देखो ये एक बात बता देते हैं कि मनन क्या होता है। मनन होता है शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके अनुकूल अपनी बुद्धि में युक्तियों का उदय हो। अपनी बुद्धि के द्वारा, युक्ति के द्वारा जब भक्ति शास्त्र का समर्थन होने लगे, कहा हाँ देखो ना ये बात शास्त्र में कैसी बढ़िया कही गई है, आहा क्या अच्छी है, और ये सूझे अरे ये बात तो बिल्कुल खराब है, ये तो ऐसे कटती है, ऐसे कटती है, ऐसे कटती है, तो क्या समझना, समझना कि अपनी बुद्धि में पाप के संस्कार उदय हो गए। शास्त्र को काटने वाली बुद्धि पापिनी है, और शास्त्र का समर्थन करने वाली जो बुद्धि है वो पुण्यात्मा है। तो मनन करना माने उसके अनुकूल संसार में, व्यवहार में तर्क युक्ति बताना। अब समझो भक्ति शास्त्र में एक बात लिखी है कि भगवान मुक्ति तो दे देते हैं परंतु भक्ति नहीं देते हैं। मुक्ति से ही दुर्लभ है भक्ति। अब लगे काटने, अरे कहाँ मुक्ति और कहाँ भक्ति। बोले नहीं देखो एक युक्ति देखो, एक राजा है, उसके यहाँ एक आदमी जेल खाने में बंद है। अब वो जेली जो है, कैदी जो है, वो चाहता है कि राजा हमको जेल में से निकाले और अपने रनिवास में सेवा करने के लिए हमको रख ले।
कि हम उसकी रोटी भी वहाँ बनावे हैं और सोने का उसके कमरा साफ करें और कपड़े साफ करें, ऐसी जगह रख ले। तो अब देखो इसमें कौन सुधा है, राजा प्रसन्न हो के जेल से छोड़ दे कि जाओ तुम्हारे जहाँ मौज हो वहाँ जाओ, मौज से अपने घर में जाकर आओ, स्वरूप से भी प्राप्त कर लो। ये सुगम है कि जेल में से निकाल के और रनवास में ला करके उससे रोटी पकवा के खाना, ये सुगम है। छोड़ देना सुगम है और रनवास में रख करके उससे रोटी पकवा के खाना, ये कठिन है। तो भक्ति जो है वो तो सेवा है, वो सबको नहीं मिलती है ना। सेवा तो अत्यंत विश्वसनीय, अत्यंत विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है उसको सेवा मिलती है। सेवा अरे गहरे न तो करे, है ना। घर में अपनी पत्नी हो ना, अपनी पत्नी हो ना, और उसके ऊपर ये शंका हो जाए कि ये तो हमारी सब वस्तु उठा करके अपने मायके पहुंचा देगी, देख लेना पतिदेव तिजोरी में चाबी लगा करके अपने पास रखेंगे, बोले अरे बाबा अभी ये है गरीब घर की लड़की आई हमारे पास, ये माल मत्ता उठा के मायके पहुंचा देगी बोला। और ये मालूम पड़ जाए कि ये पत्नी किसी दूसरे से प्रेम करती है और फंसी हुई है, तब उसके हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? डर रहेगा कि कहीं ये दोनों मिलके जहर दे दें, तो ऐसे प्रसंग होते हैं कि नहीं होते। तो सेवा मिलना दूसरी चीज है, और मुक्ति मिलने में न तो तिजोरी की चाबी रखने की अपने पास जरूरत पड़ेगी और न तो जहर देने का डर रहेगा, बोले जाओ भाई तुमको जेल खाने से छोड़ दिया। तो अंतरंग सेवा प्राप्त करना कठिन है और मुक्ति प्राप्त करना सुगम है। अब देखो तर्क क्या हुआ कि ये भक्ति शास्त्राणि मननीयानि, भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, माने उसके अनुकूल तर्क युक्ति सोच करके कहना चाहिए कि ये भक्ति शास्त्र ठीक है, हमको तो भगवान का विश्वास पात्र बनना है, हमको तो भगवान की सेवा करनी है, हमको जेल खाने से छूट करके पेंशन नहीं लेनी है, हमको तो जन्म जन्म ले करके बारंबार जन्म ले करके और मुक्ति का तिरस्कार करके अपने प्रभु की सेवा करनी है। तो सेवा अंतरंग वस्तु है, भक्ति मिलना मुश्किल है, मुक्ति मिलना आसान है। अब दूसरी बात देखो तत्वज्ञान की दृष्टि से क्या बात है, एक बार ब्रह्माकार वृत्ति होकर के अविद्या निवृत्त हो जाए मुक्ति हो गई, अब जन्म नहीं होगा, मरण नहीं होगा, नरक में नहीं, स्वर्ग में नहीं। लेकिन ये सद्यो मुक्ति हो जाने के बाद भी अपनी वृत्ति निरंतर हसन निवासी वर्तते, भूत में न जाए, भविष्य में न जाए और मस्ती में, भविष्य नानुसंधत्ते नातीतम चिंतयत्ते, भविष्य और भूत की चिंता छोड़ करके वर्तमान में मगन रह रही है, ब्रह्मांड रह रही है, ये जीवन मुक्ति दुर्लभ है कि नहीं? मुक्ति तो एक बार के तत्व ज्ञान के पहले झटके में अविद्या की निवृत्ति और मुक्ति आ गई हाथ में। परंतु ये महाराज ये जो जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख है ये तो तत्व ज्ञान के पूर्व यदि खूब रगड़ रगड़ के निधिध्यासन किया हुआ हो और मल विक्षेप का खूब खूब नाश हो गया हो तब तो तत्व ज्ञान के बाद जीवन मुक्ति अपने आप आओ। और नहीं तो महाराज माना कि मरने के बाद नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, लेकिन जिंदगी भर वैसे ही रहना पड़ेगा जैसे संसारी लोग विषयी लोग रहते हैं। तो देखो जीवन मुक्ति की वृत्ति दुर्लभ है और सद्यो मुक्ति सुलभ है, लेकिन जो जीवन मुक्ति की वृत्ति को दुर्लभ समझ करके छोड़ देगा, नारायण कहो कठिन समझ के कोई चीज जो छोड़ेगा वो तो आलसी होगा। तो मनन करना चाहिए, ये कहने का मतलब हुआ। और तदुद्बोधक कर्माणि कर्तव्यानि, और भक्ति को जगाने वाले, भक्ति देवी सोई हुई है हो, वो तो आपने देखा ना, ज्ञान वैराग्य सो रहे हैं और भक्ति दूर बुढ़िया हो रही है, तो उनको जगाने का काम नारद जी करते हैं ना, श्रीमद् भागवत का श्रवण करो, देखो हृदय में भक्ति जगती है कि नहीं, सत्कर्म है, सत जगह ऐसे ऐसे काम करो, दिल में खूब भगवान की पूजा करो, खूब प्रसाद बांटो, अपने भगवान की पूजा अपने हृदय में रख के करके मन ही मन खूब ठाकुर जी की पूजा करो, पंचामृत में उनका स्नान कराओ, उनको पीतांबर पहनाओ और यज्ञोपवीत धारण कराओ,
देवी है, चंदन लगाओ, पुष्प माला पहनाओ, भोजन कराओ, आरती उतारो और थोड़ा सा प्रसाद अपने हृदय के एक कोने में एक बढ़िया सोने के बर्तन में बोला। मन का जो सोने का बर्तन होगा ना, उसका भाव कभी घटेगा बढ़ेगा नहीं बोला। और न तो सरकार उसको छीन सकती है, न तो उस पर कोई कानून नहीं रख सकता है। मन में एक सोने का बर्तन पड़े और उसमें भगवान का प्रसाद लेके रख लो। अब जो तुम्हारे सामने व्यवहार में आवे मिले, जब आवे तो कहो भाई आ, हमने अपने हृदय में भगवान की पूजा की है, आज हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हुई है और ये आया मिलने। तो मन ही मन थोड़ा सा उसमें से आनंद का प्रसाद मधु निकालो और आने वाले की ओर मुस्कुरा के देखो कि भाई इसको प्रसाद दिया है, आनंद का प्रसाद बांट दो। जब तुमने ठाकुर जी की पूजा की है, तुमने पंचामृत से स्नान कराया है, उनको नैवेद्य लगाया है, उनका प्रसाद कस्तूरी की सुगंध तुम्हारे घर में व्याप्त हो रही है, गोरोचना कस्तूरी तुलसी की सुगंध से मिश्रित नैवेद्य स्वर्ण पात्र में तुम्हारे हृदय में रखा हुआ है। अब जो आया मन ही मन थोड़ा सा उठा के उसको दे दिया। अब जिसको भगवान का प्रसाद दिया उसके तिरस्कार थोड़े दोगे, बड़ा आनंद आवेगा। हो आनंद बांटो तो काम क्या करो, बोले तदुद्बोधक कर्माणी, जिससे दिल में सोई हुई प्रीति, दिल में सोई हुई भक्ति जाग जाए, सोती भक्ति को जगाओ, गरन गरन घंटा बजाओ, भगवान नाम की घंटा ध्वनि हृदय में करो, कहो जगे हो भक्ति सो रही है, देख देख भगवान आ रहे हैं, ये उनके पांव में जो नूपुर है ना, उनका रुन जो आवाज हो रही है, कुछ होती है, उठो जा चल उनके चरणों में लिपट जा, कहो भक्ति देख सो रही है, ये भगवान का पीतांबर फहरा रहा है, ये देख देख बांसुरी बज रही है, ऐसे ऐसे काम करो महाराज जिससे खूब सोती हुई भक्ति जग जाए। बोले महाराज ये कब तक जगावे और कब तक मनन करें, देखो दो काम बताया, जगाने में तो प्रेम श्रद्धा की प्रधानता है और मनन में बुद्धि की प्रधानता है, ये दोनों काम कब तक करें। तो देखो तुम्हारे आज के जीवन में और भगवान के मिलने वाले जीवन में, आज तुम विरही हो और एक दिन भगवान तुम्हें मिलेंगे, तो उन दोनों के बीच में जितना काल है उसी को भरना है। भजन माने क्या, भजन माने आज और भगवान से मिलन का क्षण, दोनों के बीच में जो काल है उसको भरना है। क्या करते हुए वैष्णव लोग रामानंद संप्रदाय में कहते हैं कालक्षेप, कालक्षेप करना है माने कुछ ऐसा ढंग बैठाना जिससे ये काल जो है ना वो कब चला गया पता ही नहीं लगा, काल को फेंक दिया हो, दिन गया, पक्ष गया, मास गया, ऋतु गई, दक्षिणायन गया, उत्तरायण गया, वर्ष संवत्सर चला गया, कब गया। बोले अरे भाई हम तो भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, कुछ ख्याल नहीं है, काल कौन सा महीना है पता ही नहीं, कौन दिन है, कौन तारीख है, कुछ पता नहीं है, क्यों काल तो लगे रहते हैं भाई ठाकुर जी की पूजा में लगे रहते हैं। तो उस समय की प्रतीक्षा करो, तो वो कैसा समय होगा, भगवान कैसे समय में मिलते हैं उस समय का वर्णन किया है। कोई समझते हैं संध्या काल गुलाबी रंग में आकाश रंग जाता है, वायु भी शांत, समुद्र भी शांत, प्रकृति भी शांत, पक्षियों का चहकना भी शांत, जब शांत वातावरण हो जाता है तो दिन और रात्रि के संध्या काल में संधि काल में प्रभु की प्राप्ति होती है। कोई कहता है नहीं उषा काल में होती है, उषा काल माने सूर्योदय का समय है, विषयी लोग तो भोग करके रात्रि में थक गए हैं और सोते रहते हैं, तो उनकी विषय वासना के जो संस्कार हैं उस समय प्रकृति में फैलते नहीं है, बड़ी शांति का समय हो, विषयी लोग प्रातः काल सो जाते हैं, जुआरी भी सो जाते हैं, व्यभिचारी भी सो जाते हैं, रात्रि को जो बहुत श्रम करने वाले लोग हैं सब सो जाते हैं, प्रातः काल क्या आनंददायक, सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आत्मा जगत तत्त्वस्य, सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय काल, अरुण की लाली चारों ओर फैली है, चिड़िया भी शांत हैं, वासना वाले लोग सोए हुए हैं, काओ आओ भगवान मिलते हैं, ऐसे नहीं, हमारे हृदय में एक ऐसा काल आना चाहिए जिसमें भगवान मिले। तो वो क्षण कौन है, वो कौन सा सेकेंड है जिसमें भगवान मिलते हैं। बोले सुख दुख इच्छा लाभादि त्यक्ते काले प्रतीक्षमाणे, प्रतीक्षा करो उस पवित्र समय की
जिसमें हमारे हृदय में विषयों के संयोग वियोग से होने वाला और व्यक्तियों के संयोग वियोग से होने वाला सुख दुख न हो। माने जो कोई घायल कर गया है उसकी याद नहीं हो और जो कोई मरहम पट्टी करने वाला है उसकी भी याद न हो। बोला ये मोहब्बत में अपना प्यारा ही कभी घायल कर देता है और कभी मरहम पट्टी लगाता है। तो ये जो संसार में घायल करने वाले और मरहम पट्टी लगाने वाले लोग हैं ये न हो, न व्यक्ति हो न वस्तु हो, न चीज हो न आदमी हो, दोनों ही नहीं होना चाहिए। और इच्छा और लाभ, अप्राप्त वस्तु के लिए इच्छा होती है और प्राप्त वस्तु जो है ना उसी इच्छा की जब पूर्ति होती है तो कहते हैं लाभ हुआ। और आदि से मतलब सुषुप्ति न हो, प्रमाद न हो, आलस्य न हो, जाग रहे हो, सुख न हो, दुख न हो, इच्छा न हो, लाभ न हो, आलस्य न हो, प्रमाद न हो, निद्रा न हो। क्योंकि जब ये चीज रहती है तो मन में कोई न कोई ही होता है। सुख होता है तो किसी के मिलने से या बिछुड़ने से होता है, दुख होता है तो किसी के मिलने या बिछुड़ने से होता है, इच्छा होती है किसी चीज के लिए होती है, लाभ किसी चीज का होता है, सुसुक्ति हो जाती है तब तो अपने आप में सो जाते हैं। कहिए सब कुछ नहीं, ये सब छोड़ करके एक ऐसा शांत समय जिसमें वासनाएं न उठती हों, जिसमें मनोराज्य न होता हो, वासनाएं न हो, मनोराज्य न हो, जहां अपने हृदय के चबूतरे पर कोई नट न हो, कोई नदी न हो, कोई नर्तक न हो और कोई नर्तकी न हो, हमारे दिल के चबूतरे पर संसार की कोई चीज, कोई न कोई चीज नट बन के, कोई न कोई चीज नदी बन के, कोई न कोई नाटक हर समय ये करते रहते हैं। ये जो अभिनय है ना, हो ये जो दिन रात हमारे हृदय के रंगमंच पर संसार का अभिनय होता रहता है, कहे प्रभु हमारे जीवन में वो समय कब आवेगा जब ये संसार का अभिनय न होगा, ये हृदय का चबूतरा, ये हृदय का सिंहासन, ये हृदय कमल केवल तुम्हारे लिए रिक्त रहेगा, आओ प्राणनाथ प्रभु पधारो, प्रभु पधारो, उस समय की प्रतीक्षा करो। अच्छा, उस समय की प्रतीक्षा तो करते हैं, पता नहीं कब आवे वो समय, तब तक क्या करें। बोले बस ये है कि काल को व्यर्थ मत करो, काल भगवान की विभूति है, वो इसका श्रृंगार करते चलो, ये भगवान की विभूति है। जैसे कोई राष्ट्रपति आने वाला हो या बादशाह आने वाला हो तो उसके अंगरक्षक, उसके प्रबंध करने वाले पहले आते हैं। राष्ट्रपति जब कहीं जाने वाले होते हैं ना तो उनके आदमी पहले आके देखते हैं कि उनको तुम किस रास्ते ले आओगे, रास्ता बताओ, ठहरने की जगह कौन सी है, वो कहाँ खड़े होकर के मंच कैसा है, कहाँ खड़े होकर भाषण करेंगे, सब पक्का हो जाता है। बीच में इतने फुट जगह उनके लिए छोड़नी पड़ेगी खुफिया पुलिस के लोगों को बैठने के लिए। तो क्या होता है कि उनकी जो विभूति है ना, राष्ट्रपति की विभूति पहले आती है, उनका ऐश्वर्य पहले आता है। कोई शंकराचार्य जाने वाले हो तो वो मसालची महाराज है और वो आशा सोटा, वो छत्र चमर, वो सिंहासन, ये विभूति है ना, पहले आके उनका सिंहासन लगा दिया जाता है, तब राष्ट्रपति आता है। तो ये भगवान जिसके हृदय में आने वाले होते हैं ना, तो काल उनकी विभूति है, वो आता है। अब उसका सम्मान नहीं किया, उसके सामने कोई गंदी चीज रख दी, वो सोचा कि जब इसने हमारे सामने गंदी चीज रख दी, हम प्रभु के अंगरक्षक, हम प्रभु की विभूति, हम प्रभु के ऐश्वर्य, इसके पास तो प्रभु के बैठने योग्य अभी कोई सिंहासन नहीं है। अरे दिखाओ भाई कि हमारे पास ये पड़िया है, काल को बताओ, संवत्सर को बताओ कि हम देखो इस कमरे में ठहराएंगे, कौन सा कमरा है तुम्हारा। काल का श्रृंगार करो, तो श्रृंगार काहे से करो, तो भगवान की पूजा की सामग्री, देखो उनके लिए मैंने बेटा भी रखा है तो उनकी पूजा के लिए, हाँ ये पत्नी भी उनकी पूजा के लिए है, ये पति भी उनकी पूजा के लिए है, ये माता पिता भी उनकी पूजा के लिए हैं, ये सर्वस्व उनकी पूजा के लिए, ये बात समय को बताओ और समय को उनकी पूजा की सामग्री से भरते चलो। ये देखो संगीत, गोवर्धन वासी सांवरे हो,
तुम बिन रहे न जाए। हम काल को भर रहे हैं काय से, प्रभु के लिए संगीत से हम काल को भर रहे हैं, प्रभु के पूजा के लिए चंदन से, अक्षत से, पुष्प से, माल्य से हम अपने समय को भर रहे हैं, जप से भर रहे हैं, ध्यान से भर रहे हैं। जब काल का श्रृंगार करो, माने संपूर्ण काल को कहीं व्यर्थ मत जाने दो, व्यर्थ न होने पावे काल, काल को प्रभु के लिए कर दो, क्षणार्थ भी व्यर्थ न हो। तब वो समय तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा जब वासना नहीं, मनोराज्य नहीं, संस्कार का उल्लेख नहीं, कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व उल्लेख शून्य, वासना वर्जित, संस्कार संस्कारोल्लेख शून्य, ऐसा हृदय, ऐसा हृदय बिल्कुल स्वच्छ निर्मल श्वेत द्वीप बना लो, अपने हृदय को श्वेत द्वीप बना लो। क्योंकि सावरे को सफेद बहुत पसंद है, अपने में कमी है ना सफेदी की थोड़ी। तो हमारे एक मित्र हैं, वो उधर रहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनके शरीर का रंग जरा काला है ना, तो बड़ा जितना साबुन खर्च करते हैं और इतने फटिक चंद्रधारी रहते हैं, वो कपड़े पहनते हैं हमारा स्वच्छ स्वच्छ। काले आदमी को गोरी चीज बहुत पसंद होती है, ये स्वभाव ही है उसका, क्योंकि जो अपने में कमी होती है ना उसको वो उससे पूरी करना चाहता है। तो भगवान तो है सांवरे, तो उनको दूध के समुद्र में रहना पसंद है, भक्तों के स्वच्छ निर्मल स्वच्छ हृदय में, जहाँ सात्विकता की श्वेतिमा हो गए, श्वेत द्वीप में, श्वेत ही श्वेत, जहाँ फूल भी श्वेत और पत्ते भी श्वेत और फल भी श्वेत और धरती भी श्वेत और वृक्ष भी श्वेत, पशु पक्षी भी श्वेत, तो अपने हृदय को श्वेत श्वेताश्वतर बना लो, अपने हृदय को श्वेताश्व, ये तो श्वेताश्वतर है। श्वेता अश्वाह इंद्रियाणि यस्य श्वेताश्वः, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े श्वेत हैं, अतिशय न श्वेताश्व श्वेताश्वतर, ऐसे निर्मल हृदय बना लो। अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद थे और अर्जुन का रंग थोड़ा सांवला था, हो वो तो भगवान का ध्यान करते करते वो भी सांवला हो गया था, उद्धव भी सांवले थे, प्रहलाद भी सांवले थे, बोला तो भगवान को तो सफेद ज्यादा पसंद, तो सारथी बन के क्यों बैठे कि वो अर्जुन के सफेद घोड़े सामने, उनको बहुत पसंद थे सफेद सफेद घोड़े, उनको बहुत पसंद थे घोड़े, बड़े स्वच्छ बड़े निर्मल। तो अपने हृदय को श्वेताश्व बनाओ, तथा श्वेत ही रहे युक्त माफिस चंदने स्थित, ऐसा क्षणार्धी व्यर्थ मत करो। कैसे रहना चाहिए देखो, पसंदगी कैसे होते है। एक आदमी हमारे पास आता है तो हम सोचते हैं कि हमारे पास ज्यादा इसका आना जाना बनना ठीक है कि नहीं है। एक उदाहरण की बात कहते हैं, ये ज्यादा आवे कि ना आवे, अपने मन में ऐसे सोचते हैं। तो हम एक दिन दो दिन दस दिन में ये देखते हैं कि ये हमारी बात मानता है कि अपनी बात हमसे मनवाना चाहता है ना। तो यदि हमने पहले झटके में देख लिया कि ये तो जिद्दी है, अपनी बात हमसे मनवाएगा, तो हम कहेंगे भाई इससे ज्यादा संपर्क बढ़ेगा तो हमारा एक बंधन और ज्यादा हो जाएगा। और जब हम देखेंगे कि भाई ये तो हम कहते हैं कि खड़े रहो तो खड़ा और बैठे तो बैठो, चले जाओ तो चले जाओ, ये तो हमारे मन के साथ हमारे हाथ की तरह हमारे पांव की तरह मिलता है, तो बोले इससे कोई डर नहीं, इससे कोई खतरा नहीं। और कोई जिद करे तो बोले आज ये हमारी छोटी सी बात नहीं मानता है तो आगे चल के ये कभी बड़ा काम पड़ेगा तो बड़ी बात भी नहीं मानेगा। तो छोटी बात न मानने से तो अभी हमारा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जब बड़ी बात नहीं मानेगा तब नुकसान हो जाएगा। ये बात आती है ना ध्यान में, तो ईश्वर भी महाराज पसंद करता है, ईश्वर पसंद करता है कि ये हमारे मन के मुताबिक चलने वाला है कि अपने मन के मुताबिक हमको चलाने वाला है। तो वो तो मन यो मनुष्याणाम पूर्व रूपाणि संतति, पहले ही पता चल जाता है। जो अपने मन के बहुत अधिक वश में है और ये चाहता है कि हमारे ही मन के अनुसार सामने वाला चले, वो साथ करने लायक नहीं है। बड़ों के पास तब जाना चाहिए
जब उनके मन के अनुसार चलने की प्रवृत्ति अपने अंदर जागृत होवे, अपने मन की जिद कम होवे, अपने मन की जिद घटे, अपनी वासना की प्रधानता जब कम होवे, तब मनुष्य सत्पुरुष के पास जाने योग्य होता है। ये तो मैंने यूँ बात बताई कि भगवान के पास जो जाते हैं, देखो क्या आनंद है। तुम भगवान के पास काहे के लिए जाते हो? उनको नचाने के लिए जाते हो कि उनके कहे अनुसार नाचने के लिए जाते हो? नाच नाच के नाच नाच पिया रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी, मैं गिरधर आगे नाचूंगी। भगवान के सामने नाचने के लिए मनुष्य जाता है, अपने अनुसार भगवान को नचाने के लिए नहीं जाता। तब भगवान कैसे पसंद करेंगे? बोले भाई, जो दूसरे से लड़ाई झगड़ा दिन रात करता रहे, झूठ गंदा रहे और क्रूरता करे और लोक परलोक धर्म अधर्म न माने, ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। बोला माने हम एक आदमी हमारे पास आता है और दिन रात किसी से लड़ता ही रहे, आके वहाँ लड़ाई करना शुरू करते हैं, तो कहना पड़ेगा ना कि भाई लड़ाई बाहर जाके करो, यहाँ मत करो। एक दिन नहीं कहेंगे, दो दिन नहीं कहेंगे, तीन दिन नहीं करेंगे, अगर लड़ाई करेगा तो कहना पड़ेगा ना, एक बार झूठ, दो बार झूठ, दस बार झूठ, आखिर बात तो कहनी पड़ेगी ना भाई कि इतना इतनी धोखाधड़ी तो नहीं चलती है। इसी तरह से कोई शौच, कोई पवित्र झूठ काट, तो शौच ईश्वर को कौन पसंद है? ईश्वर को वो पसंद है जिसके मन में हिंसा का भाव कम हो, क्योंकि जिसके मन में हिंसा का भाव होगा वो अपने शत्रु की याद करेगा ज्यादा, भगवान की याद नहीं करेगा, और भगवान की याद नहीं करेगा तो सेवा क्या होगी? प्रेम से जो भगवान की याद करेगा वही ना भगवान की सेवा कर सकेगा। कि एक के प्रति क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा है, तब तो हम कब वो मिले और कब उसको डंडा मारे, ये उसका मनोराज्य होगा कि हम भगवान की सेवा करें, ये मनोराज्य होगा। ये देखो, किसी के राग में मोहब्बत ही है, समझो मोह का व्रत लिए हुए है, मोहब्बत ही है, तो जिससे मोहब्बत है उसको कैसे सुख पहुँचावे, उसकी सेवा कैसे करें, ये उसके मन में आवेगा कि हम प्रभु की सेवा करें, ये मन में आवेगा। तो भगवान किसको पसंद करते हैं? भगवान उसको पसंद करते हैं जो किसी से दुश्मनी नहीं करता, भगवान उसको पसंद करते हैं जो धोखाधड़ी नहीं करता, सच बोलता है, भगवान उसको पसंद करते हैं जो गंदगी से प्यार नहीं करता, पवित्रता से प्यार करता है, भगवान उसको पसंद करते हैं जिसके हृदय में क्रूरता नहीं है, दया है, भगवान उसको पसंद करते हैं जिसके हृदय में नास्तिकता नहीं, आस्तिकता है, मतलब भगवान की बात ही पर विश्वास न हो। बोले तुम तो किसी चालबाजी से हमसे बात कर रहे हो। तो ये सब चारित्र हैं, भक्त के चारित्र हैं, इनका परिपालन करना चाहिए, इससे भगवत प्राप्ति, इससे भगवान की भक्ति बनती है और भगवत प्राप्ति होती है। सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैहि भगवान एव भजनीयः, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवान एव भजनीयः, सर्वदा सर्वभाव से चिंता रहित हो करके भगवान का भजन करना चाहिए। नारायण कहो, नारायण, चिंता मत करो, चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता दोनों एक, तो चिता दहति निर्जीवम, चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता, अरे ये तो जिंदा को जलाने के लिए हो, ईश्वर को छुड़ाए दे, धर्म को छुड़ाए दे, कर्म को छुड़ाए दे, स्वास्थ्य का सत्यानाश करे, भगवान का भजन करना हो तो चिंता छोड़ने के जो उपाय हैं वो अपनाना चाहिए। तो एक घंटा कम से कम ऐसा रखो कि जिस कमरे में बैठो उससे बाहर की बात मत सोचो, एक घंटा, एक घंटा कमरे के बाहर की कोई बात ना आवे मन में, कर सकते हो ऐसा? अच्छा, एक घंटा ऐसा निकालो कि एक दिन की बात जिस दिन कर रहे बैठे हो ना, उस दिन के सिवाय घंटे भर तक न तो पीछे बीते हुए दिन की याद आवे, न तो आगे वाले दिन की याद आवे कि कल ये करना है या कल ये किया था। देखो चिंता छूटती है ना, चिंता को बांधो ना काल में, काल के एक दिन में चिंता को बांध लो, देश के एक कमरे में चिंता को बांध लो, विषय के एक आकार में एक रूप में। बोले ऐसा, एक घंटे तक गुरु जी को छोड़कर दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, जरा एक घंटा निकालो तो। अरे महाराज, प्रेमी बनते हैं लोग झूठ ही,
है कोई तुम्हारा प्रीतम, तो एक घंटे तक उसके सिवाय दूसरे किसी का चिंतन मत करो। एक घंटे कम से कम, एक घंटे अपने प्रियतम के सिवाय दूसरे की शक्ल अपने दिमाग में ना आवे, दूसरे का नाम अपने दिमाग में ना आवे। एक घंटे तक जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे से मन बाहर न जाए। एक घंटे तक जिस दिन तुम ध्यान कर रहे हो उस दिन को छोड़ करके अगले पिछले दिनों की याद न करे, तब पता चलेगा कि तुम्हारे चित्त में कितनी चिंता रहती है। अच्छा मन की छोड़ दो, दिन भर के लिए प्रतिज्ञा कर लो कि आज कल की और बीते हुए कल की और आगे छोड़ करके दूसरे की बात ही नहीं करेंगे। एक दिन से दूसरे की चर्चा नहीं करेंगे। अच्छा आज जब बोलेंगे, जब वृंदावन की बात बोलेंगे, भगवान की छोड़ दो, एक दिन ऐसा रखो कि आज वृंदावन से बाहर की बात नहीं करेंगे। जब नाम लेंगे, जब बात करेंगे, जब वृंदावन की करेंगे, तो अपने मन को देश में बांधो, काल में बांधो, विषय में बांधो, तब भगवान का भजन होगा और संसार की चिंता छूटेगी। तो निश्चिंतित हो करके भगवान का भजन करना, सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर्भगवानेव भजनीयः। अच्छा भाई आज बड़े बड़े काम है।